फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल बॉन्साई हंटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फाइकस रूट ओवर रॉक के बारे में। रूट ओवर रॉक के ऊपर हमने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि रूट्स को किस तरीके से रॉक के ऊपर बांध दिया जाता है। हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि रूट को रॉक के ऊपर बांधने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो आइए बात करते हैं फाइकस रूट ओवर रॉक के बारे में। फाइकस रूट ओवर रॉक ये एक फाइकस का प्लांट है, जिसे हमने लगभग साल भर पहले एक रॉक के ऊपर टाई कर दिया था। कुछ इस तरह की रॉक का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी मूवमेंट्स हो, छेद हो, कुछ तरह इस तरह का। प्लेन रॉक्स को अवॉइड करें। और दोस्तों, इस फाइकस रूट ओवर रॉक पे मैं आज दो काम करने वाला हूँ। एक तो इसकी वायरिंग करेंगे और दूसरा इसकी रूट्स को एक्सपोज करेंगे। हमें इसकी रूट्स को धीरे धीरे एक्सपोज करना होता है। लगभग साल भर से मैंने इसे टच नहीं किया है, तो मैं इसका लगभग 30-40% सैंड आज हटा दूंगा और चेक करेंगे कि हमारा जो रूट ओवर रॉक है वो एक्सपोज हुआ है कि नहीं हुआ है, रॉक के ऊपर रूट्स का डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी वायरिंग और रूट को एक्सपोज करना। तो जब हम वायरिंग करते हैं तो उस वायरिंग को हमें लगातार चेक करना होता है और उसे बार बार रिमूव भी करना होता है। अगर हम उसे रिमूव नहीं करेंगे तो वायर बाइट हो जाए। ये बिल्कुल सही समय है कि इसकी वायरिंग को हटा दिया जाए, वरना ये आप निशान देख पा रहे हैं, ये निशान धीरे धीरे गहरे होते जाएंगे और ये वायर बाइट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसे इन ब्रांचेस को रखें या हटा दिया जाए? क्योंकि ये डेवलप्ड ब्रांचेस हैं तो देखने में भी सुंदर लग रही हैं। अगर हम इस एंगल से देखें तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन्हें हम कॉम्पैक्ट करके एक शेप दे सकते हैं। लेकिन जो मेरे दिमाग में जो बात चल रही है फ्रेंड्स, वह यह है कि मैं इसे एक शोहीन कैटेगरी वन हैंड बॉन्साई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। वन हैंड बॉन्साई में हम जितना इसे कॉम्पैक्ट रखेंगे उतना ही ये अच्छा लगेगा। तो हमारी डिज़ाइन के हिसाब से ये जो पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए, तो मैं इन्हें हटा देता हूँ। दोस्तों, हमने इसकी वायरिंग कर दी है। इसमें कुछ नए बैंड्स जोड़े गए हैं और जो ट्रंक लाइन है इसका ऊपर जाके वापस से नीचे आ रहा है, वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। अब हम इसकी रूट्स को एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, चूँकि अभी बहुत ही गर्मी है इसलिए हम इसके ऊपर मॉस लगाने वाले हैं। अभी इसकी रूट्स बहुत टेंडर हैं तो हम इन पे मॉस लगाएंगे। दोस्तों, हमने ये जो पॉलीथीन रैप किया है अंदर मॉस लगा के, उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है तो रूट्स को किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो। बरसात आने के बाद इस पॉलीथीन को मैं हटा दूंगा और रूट्स को बिल्कुल एक्सपोज कर दूंगा। दोस्तों, अब जो इसकी रूट्स का डेवलपमेंट होगा वह नीचे की तरफ होगा और कुछ समय बाद में हम इसे एक नया पॉट देंगे। नए पॉट के साथ इसकी रिपोर्टिंग होगी और इसकी कैनोपी का डेवलपमेंट हम यहाँ पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।